आप देख रहे हैं वॉइस टुडे टीवी नेटवर्क और मैं आपका होस्ट सैयद उस्मान अली। आइए बात करते हैं तालीम और स्पोर्ट्स की। टैबरीज स्कूल की तालिबा मारिया तमीम, इंटीग्रल स्कूल के स्टूडेंट जाकिर अली, ये दोनों स्टूडेंट्स आलमी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए दुबई रवाना हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माजी की तरह ये दो स्टूडेंट्स भी इस बार भी आलमी मुकाबले में जीत कर अपने वालिदैन और अपने तालीमी इदारा और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जाकिर अली खान है। मैं इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल में ग्रेड 8 में पढ़ता हूँ। मैं टेबल शॉट गेम खेलने नेपाल को गया था और 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज जीत के आया हूँ। और अब मैं नेक्स्ट ट्रिप मेरी कल है अभी दुबई को, 5 से लेकर मैं नाम तक वहाँ पर खेलूँगा और मैं इंशाल्लाह गोल्ड मेडल आऊँगा इंशाल्लाह। और स्कूल में फैमिली में मैनेजमेंट स्कूल के मैनेजमेंट और हमारे स्पेशल सर बहुत मेरे को सपोर्ट करें और बहुत इंकरेज करें और फैमिली में मुझे बहुत सपोर्ट मिला और हर चीज़ के साथ मुझे आगे रखा। आप जीत के आएंगे इंशाल्लाह। चलो ईद की विशेष ईद के विशेष है कल सबको मेरी तरफ से स्कूल की तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू। याद रखिए मैचेस क्लास याद रखिए मैचेस क्लास। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Maria Tanim, studying in 8th standard from Tabriz Hyderabad Girls. I'm very happy to participate with the world players and I'm going to Dubai tomorrow. And I'm going to Dubai tomorrow to participate in international level competitions which are going to held in Abu Dhabi. And I want to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala to give me such a great opportunity, and I also want to thank my secretary sir, sports officer sir, to give such a great guidance and support to support me a lot. And I also thank my coach Abraz sir to make me like this. And I want to thank the school director, the school integral school director Mansoor sir and other directors also. And Eid Mubarak to everyone. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon to everyone. I would like to thank IFS to choose me to represent our school Tolichoki branch. I'm the vice principal of Integral Foundation School Tolichoki. I am very much thankful to Master Zakir Naik parents for taking the initiative and enrolling the child into the sports academy, as he has brought wonderful laurels to our school and to our nation, as he has won the international championship which was held in Nepal, and he is going to represent our country in Delhi for the championship tournament which will be international. Assalamu alaikum. I am Abdul Khadir, principal Telangana Minorities Residential School. इससे ज़्यादा मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर मारिया तनीम के फादर हूँ। तो इतना अच्छा मौका मारिया तनीम को मिला है अबरार हुसैन और इंटीग्रल स्कूल की तरफ से जानिब से। ये लोग जो है ना, इनको अच्छी प्रैक्टिस देकर पहले से भी 6-7 महीनों की प्रैक्टिस से मारिया तनीम को इंटरनेशनल लेवल पे नेपाल लिया गया लास्ट टाइम। और इस बार जो है ना, नेपाल में जब खेलने के बाद उन्हें जो गोल्ड मेडल मिला था, इस गोल्ड मेडल से उन्हें एलिजिबिलिटी मिल गई कि इन्हें अबू धाबी में खेलने का। तो इस अबू धाबी में कल वे लोग अबू धाबी में खेलने के लिए इनके कोच के साथ हमारे यहाँ के मेटेरियल स्टूडेंट एक स्टूडेंट हैं और तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल से मारिया तनीम दोनों और कोच के साथ पहली मर्तबा जा रहे हैं अबू धाबी। अबू धाबी पहली मर्तबा जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल में दूसरी मर्तबा आई है। इंटरनेशनल लेवल में नेपाल में लास्ट 1 महीना पहले खेले थे, वहाँ पर बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला और वहाँ पर ही उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। और अभी इन्हें
अबुधाबी में मास्टर्स में खेलने का मौका इन्हें मिलना सचमुच ये दिस क्रेडिट गोज टू दिस कोच अबरार हुसैन साहब है, क्योंकि मास्टर्स 2019 में जैसे वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे खेलने वाले हैं, सच इतनी कम उम्र में 14 साल की उम्र में इन बच्चों को मास्टर्स 2019 में खेलने का मौका देना सच में ग्रेट है। उनको मैं अपने तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल्स की सेक्रेटरी शफीला साहब और स्पोर्ट्स ऑफिसर सोमेश साहब को भी मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और टोटल मीडिया को भी मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता बार जब नेपाल जाकर आए थे वे लोग ना एयरपोर्ट में इन्हें इतना इस्तकबाल किया, इतना अच्छा इनको वेलकम किया मीडिया, इसकी वजह से इनके अंदर बहुत ही एंकरेजमेंट मिला है, इस एंकरेजमेंट अभी भी मिल रहा है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और सबको ईद उल फितर की मुबारक मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ। जजाकल्लाह खैर। मेरा नाम सैयद अबरार हुसैन दूतिया है, मैं इंटीग्रल फाउंडेशन ऑफ स्कूल में एज ए स्पोर्ट्स कोच और अलहमदिल्ला एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर खिदमत अंजाम देता हूँ। लास्ट टाइम नेपाल में गोल्ड मेडल जीत के इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल और तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के मारिया तमीम, इंटीग्रल फाउंडेशन ऑफ स्कूल के जाकिर अली खान, ये दोनों प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल हासिल किया था और आगे के लिए क्वालिफाई हुए थे US और अबू धाबी। तो अलहमदिल्ला इसी के सिलसिले को बरकरार रखते हुए कल ये दोनों स्टूडेंट्स जो हैं दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं और अलहमदिल्ला प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हुई है, उम्मीद करते हैं अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे और हैदराबाद का नाम, तेलंगाना स्टेट का नाम और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला का और स्कूल मैनेजमेंट का, मंसूर कलीम सर का, इंटीग्रल फाउंडेशन ऑफ स्कूल के, जिन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करके। इंटीग्रल फाउंडेशन ऑफ स्कूल के टोटल 8 ब्रांचेस हैं, एक निज़ामाबाद में भी है और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में है, और इसी के साथ मैं दोनों भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके कितने ब्रांचेस से कितने लोग कहाँ कहाँ गए? अलहमदिल्ला पिछले 10 सालों से मैं अलग अलग गेम्स में कोचिंग करता हूँ। मेरा मेन जो है राइफल शूटिंग 10 मीटर्स है, जिसमें जो है स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पर हाई प्रायोरिटी सर्टिफिकेट्स के मुस्तहक करार पाए गए हैं और जो है नेशनल इंटरनेशनल के लिए भी खेलो इंडिया के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं राइफल शूटिंग में, और इसी के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, आर्म रेसलिंग, टग ऑफ वॉर, ये सारे गेम्स की हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, आज चांद रात है तो आप रमजान के बारे में जी, मैं सबसे पहले जो है ईद मुबारक कहूँगा सभी को, हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और जो है हमको भी दुआ में याद रखिए स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर से अच्छे से अच्छा खेल कर जीत के आने के लिए दुआ करिए।